राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है दादा जी का किचन में। आज दोस्तों आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं, बाजार में बहुत सस्ता भुट्टा मिल रहा है। भुट्टा तो वैसे ही हेल्दी होता है, खाने से एकदम पेट साफ हो जाता है। या आप छल्ली खा ले, मक्के का भूजा खा ले, मक्के का सत्तू खा ले, सारा पेट साफ करता है। लेकिन इसको और हेल्दी बनाएंगे, कुछ इसमें सब्जियाँ डालेंगे और सबसे बड़ी बात कि इसको बहुत कम तेल से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मक्के का नाश्ता बनाना। बहुत हेल्दी है और आसान तरीका भी है। तो देखिए, हम भुट्टा बाजार से दो तीन दिन पहले खरीद के लेके आए थे, 10 रुपये किलो देख रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको ऐसा ही भुट्टा मिले, ये सूखा भुट्टा है, पत्ता सूख गया है। जिसका पत्ता हरा होगा ना तो और भी आसान है नाश्ता बनाना। तो ये दो भुट्टे को हम छुड़ा दिए हैं, तो ये सूख गया है, इस वजह से इसको छुड़ा के और इसको 1-2 घंटा पानी में आप डालिएगा। अगर हरा होगा तो पानी में भिगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको स्ट्रेन कर देते हैं। तो भुट्टा को भिगाने का ये फायदा होता है, भुट्टा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, सूखने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसमें बहुत सारी वेजेस डालेंगे। एक प्याज काट दिए हैं, शिमला मिर्च दो तरह का था मेरे पास वो दे दिए हैं, एक छोटा सा गाजर को काट दिए हैं। इस तरह छोटा छोटा हम काटे। इसमें हम 6-7 हरी मिर्च दिए हैं, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक अदरक का टुकड़ा है, 4 लहसुन की कलियां है। सब्जी और भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ ये प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च से भी बना सकते हैं। तो आपके पास जो हो वो डालें इससे। और बच्चे जब नहीं है सब्जियां खाते हैं तो इस तरह से बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। इसे ग्राइंड करना है तो डाल देते हैं जार में, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। छोटा डाल जार में डालेंगे ना तो फायदा ये होगा कि ये बारीक पीसेगा। हरी मिर्च भी डाल देते हैं, अदरक लहसुन भी डाल देते हैं, और इसी तरह सारा मक्का को हम पीस देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसे एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाना है, कम से कम पानी डाल के इसको पीसना है। ज़्यादा पानी डालिएगा तो फिर नाश्ता बनाने में दिक्कत होने लगेगी। तो इस तरह का हम दरदरा पेस्ट तैयार कर दिए हैं, देख रहे हैं ना। इसी तरह सारा मक्का को पीस देते हैं, फिर आपको दिखा। अब इसमें पानी भर देते हैं क्योंकि हमें नाश्ता इसी में बनाना है। आपको इसके सिवा और भी तरीका बताऊंगा, जिसके पास अगर ये नहीं हो इडली बनाने वाला बर्तन। और इसी पर रख देंगे पानी, तो पानी को गर्म होने देते हैं। तो हमारा एक कौन सारा पीस गया है, तो यहीं पर डालेंगे सारा वेजीज को। नाश्ता को बढ़िया और टेस्टी दिखने के लिए ये चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ा सा। यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक या 1.5 टीस्पून नमक। सबसे लास्ट में डालेंगे 1 से 5 ग्राम। इससे थोड़ा फ्लफी नाश्ता बनेगा, नहीं अगर डालना है तो भी कोई बात नहीं है। तो इसको मिक्स कर देंगे। बस इनो डालते ही इसको ज़्यादा फेंटना रोकना नहीं है, अब फटाफट डाल देना है। इडली के बर्तन में थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे ताकि ये चिपके नहीं इस तरह से। इसी तरह सारा बर्तन में हम ग्रीस कर देंगे और यहीं पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से। बस इसी तरह सारे बर्तनों में हम ग्रीस कर देते हैं और बैटर डाल देते हैं मक्के का। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, अपने भी लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। और कौन तो है ऐसा नहीं है, कौन हरदम मिलता रहता है, कभी सस्ता तो कभी महंगा। तो इडली का 3 बर्तन है जिसमें 3 पीस बाकी रह गया है, बाकी सब भर गया है। तो आप डाल देते हैं, पानी हमारा गर्म हो गया इधर, आराम से डाल देंगे क्योंकि बर्तन बहुत गर्म है। इसको ढक देते हैं और मीडियम आंच पे इसको 20 मिनट के बाद हम खोलेंगे। 20 मिनट में हमारा पक जाएगा नाश्ता। 20 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर दिए थे, एक बार चेक किए थे, तो मतलब ये तो अभी देख रहे हैं ना, ये एकदम पूरा गर्म है और हल्का हल्का चिप 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 हो रहा है। तो इसको एकदम रूम टेम्परेचर पे आते जाने देंगे, यानी कि एकदम ठंडा कर देते हैं, फिर इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसको 10-15 मिनट हम हवा में रख दिए थे, अभी देखिए अब बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, मतलब सूख गया है। तो इसको निकाल देते हैं इस तरह से, और निकाल निकाल के एक प्लेट में रखते जाएंगे। देख रहे हैं कितना सॉफ्ट बना हुआ है, जबरदस्त है ना, जबरदस्त ऐसे बनता है।
तो एक पैन रख लिए, उसमें डालेंगे एक टीस्पून जो भी आप तेल खाते हैं बटर डालिए, और इसी में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, इसको तड़का लेंगे। अब आपको जितना खाना हो नाश्ता उतना इसमें डाल दीजिए, और बाकी को आप स्टोर करके एक दिन के बाद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो मिनट के बाद इसको पलट दीजिए। तो नाश्ता बन के तैयार हो गया है, अब सर्व कर देते हैं। तो नाश्ता तैयार हो गया है, अब सर्व कर देते हैं। तो नाश्ता सर्व कर देते हैं, और देख रहे हैं कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बना हुआ है। तो नाश्ता बन के तैयार हो गया है, अब इतना जितना आपको देना हो बच्चे को लंच में उतना फटाफट थोड़ा सेजो फ्राई कर दीजिए और दे दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और बाकी जब आपको खाना हो या तो सेजो फ्राई कर दे, और नहीं तब ऐसे किसी भी चटनी से आप खा सकते हैं। इतना हेल्दी और इतना टेस्टी है जो कि हम बता नहीं सकते, जब बनाइएगा जब खाइएगा तभी आपको पकता है, तभी आपको पता चलेगा। तो आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना हुआ है। तो ये जो नाश्ता आप सेजो फ्राई नहीं किए हैं इसको 8 दिन तक आप फ्रीजर में रख के और इसका मज़ा ले सकते हैं। तो ये हमारा नाश्ता बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा, ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। हमें फेसबुक पर जरूर फॉलो करें, हमारा आईडी है दादाजी का ढाबा। ये रेसिपी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। लेकिन जाने से पहले इसको टेस्ट कर दीजिए कैसा बना हुआ है। तो आप लोगों को टेस्ट करके दिखाते हैं कैसा बना हुआ है। एक नाश्ता उठाएंगे, किसी भी चटनी के साथ इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो पहले आप खा लीजिए फिर मैं टेस्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया बना है, ज़रूर बनाइएगा आप लोग।